तीन चार चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो फंगल इन्फेक्शन के बारे में, कुछ हद तक ये धारणा है कि कई टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस। ये समझना ज़रूरी है कि कई टर्म्स जो हैं वो मिसलीडिंग है और जिससे कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन अगर हम देखें तो इवन जो हम ब्लैक फंगस की बात करते हैं, म्यूकरमाइकोसिस की, एक्चुअली वो ब्लैक फंगस एक अलग फैमिली है। ब्लैक फंगस का नाम इस म्यूकर के साथ इसलिए जो जुड़ गया क्योंकि जो इसका कल्चर होता है वो वाइट कलर का फंगल कॉलोनीज आती हैं, वाइट कलर की फंगल कॉलोनीज के साथ ऊपर ब्लैक डॉट्स आ जाती हैं, और वो कल्चर में अगर वो थोड़े थोड़े ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिखते हैं, इसलिए एक जनरल टर्म में ये ब्लैक फंगस का नाम इसको दे दिया गया। लेकिन अगर हम फंगल इन्फेक्शन की बात करें तो इन जनरल जो हम फंगल इन्फेक्शन देखते हैं वो या तो म्यूकरमाइकोसिस होते हैं, जो हम आजकल कह सकते हैं बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, और फंगल इन्फेक्शन है जैसे कैंडिडा है, एक और फंगस इन्फेक्शन एस्परजिलोसिस, क्रिप्टोकोकस, हिस्टोप्लाज्मा, और एक और होता है कॉक्सीडोमाइकोसिस। इस टाइप के फंगल इन्फेक्शन हैं। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है उनमें जो हम ज़्यादातर देखते हैं वो म्यूकरमाइकोसिस है, कैंडिडा है, या एस्परजिलस इन्फेक्शन है। म्यूकर का आपको पता ही है कि ये एक फंगस है जो अब ज़्यादा देखा जा रहा है, स्पेशली कोविड के साथ अगर स्टीरॉयड और डायबिटीज जुड़ा जाए। और ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये मेनली जो है साइनसिस में, जिसको हम राइनो ऑर्बिटल म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रलर म्यूकरमाइकोसिस, जो साइनसिस में, नाक में, साइनसिस में, ऑर्बिट जो आंख के अराउंड बोन है उसमें, और ब्रेन के अंदर जा सकता है। ओकेजनली ये लंग्स में पाया जाता है, जिसको हम पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, और कभी कभी ये आंतनी में भी देखा जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में भी देखा जाता है। एक और फंगल इन्फेक्शन जिसको हम कैंडिडा कहते हैं, वो भी जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, लॉन्ग टर्म इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे होते हैं, उस उनमें देखा जाता है। ये यूजली अगर मुंह में हो तो ओरोफेरिंजियल कैंडिडाइसिस, मतलब ओरल कैविटी और जो खाने की नाली है उसमें हो सकता है, जिसमें वाइट पैचेस आ जाते हैं और टंग एकदम वाइट हो सकती है। और ये और जगह भी ये फंगल इन्फेक्शन जो अपॉर्चुनिस्टिक है वो हो सकता है, जैसे प्राइवेट पार्ट्स पे भी ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ये ब्लड में भी फैल सकता है, जिसको हम कैंडिडीमिया कहते हैं, और कैंडिडा इन्फेक्शन अगर ब्लड में फैल जाए तो वो थोड़ा सीरियस हो सकता है। तीसरा जो फंगल इन्फेक्शन देखा जाता है, जो इस टाइम में इतना कॉमन नहीं है, वो एस्परजिलस, जो भी एक फंगस है, ज़्यादातर वो फेफड़े में असर करता है, और कई लोगों में वो एलर्जिक रिएक्शन भी कर सकता है, जिसको हम एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस कहते हैं। पर कई दफ़ा वो इन्वेजन कर सकता है, जिससे वो फेफड़े में कैविटी बना देता है और काफ़ी हद तक फेफड़े में नुकसान कर सकता है। अभी तक अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो कोविड में देखा जा रहा है वो म्यूकर माइकोसिस के केसेस देखे जा रहे हैं। ओकेजनली या रेयरली एस्परजिलस के केसेस भी देखे जाते हैं, जो लंग्स का अगर हम उनको किसी व्यक्ति का एक्सरे में दाग आए या हम सीटी स्कैन कराएं तो उसमें कैविटीज आ जाती हैं, उसमें एक क्लासिकल पिक्चर आती है जो हम कहते हैं ये इन्वेजिव एस्परजिलोसिस के लक्षण हैं। और कई लोगों में कैंडिडा इन्फेक्शन भी देखा जाता है। और जो फंगल इन्फेक्शन है, जैसे मैंने बात किया क्रिप्टोकोकस की, एचआईवी पेशेंट्स में वो ज़्यादा देखा जाता है, अभी इस दौरान इतना ज़्यादा उसके केसेस नहीं है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम बात कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि हम यूज़ करें करेक्ट नेम, क्योंकि ये कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कई दफ़ा कुछ एरियाज़ में अगर फंगस ग्रो करे तो उसका कलर अलग लग सकता है, और उसको आप एक ही फंगस को अलग अलग कलर के नाम से लेबल करने से कन्फ्यूजन हो सकता है। ज़्यादातर अभी जो देखा जा रहा है वो म्यूकरमाइकोसिस है, ओकेजनली कैंडिडा इन्फेक्शन और एस्परजिलस इन्फेक्शन लंग्स में पाया जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, म्यूकर जो है एक फंगस इन्फेक्शन है जो मेनली सॉइल में देखा जाता है, एनवायरनमेंट में है, और इट इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वैसे नहीं फैलता है जैसे कोविड फैलता है। तो अगर एक व्यक्ति एक को जिसको म्यूकर माइकोसिस है वो और किसी व्यक्ति के साथ बैठा है तो ऐसा नहीं है कि उसको फंगल इन्फेक्शन उससे फैल जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये समझना ज़रूरी है कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है, 90-95% जो पेशेंट्स हैं जिनमें पाया गया है उनमें या तो डायबिटीज़ है या साथ में स्टीरॉयड यूज़ किया गया है। जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं थी
या जिन लोगों को स्टीरॉयड्स नहीं दिए गया उसमें ये बहुत रेयरली देखा गया है, इट इज़ नॉट अनकॉमन। कई दफ़ा लोग ये कहते हैं कि ऑक्सीजन के साथ ये है इसका लिंक है, लेकिन कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो घर पे इलाज कर रहे थे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी, घर पे उन्होंने स्टीरॉयड्स ले लिए और शुगर उनकी कंट्रोल नहीं हुई, उनमें भी म्यूकरमाइकोसिस देखा गया है जो हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हुए। तो एडमिशन एंड ऑक्सीजन इज नॉट वन फैक्टर विच इज़ डेफिनेटली लिंक्ड विद दिस। हाइजीन रखना तो वैसे भी ज़रूरी है, स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है, क्योंकि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन उनमें ज़्यादा है। तो जनरल हाइजीनिक मेजर जो हम पहले से कह रहे हैं कि रेगुलर वॉशिंग ऑफ हैंड्स, अगर आप कोई ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी ट्यूबिंग प्रॉपरली क्लीन हो, जो पानी यूज़ करते ह्यूमिडिफिकेशन के लिए आइडियल सिचुएशन में अगर वो स्टराइल वाटर हो तो वो बेटर रहेगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि ये समझना कि म्यूकर के लक्षण क्या हैं। अभी तक हमने जो देखा है, जो हमारे हॉस्पिटल में हमने देखा है कि मेजॉरिटी हमारे पेशेंट जो हैं उनको म्यूकर अर्ली स्टेज में हो रहा है, तब अभी वो कोविड पॉजिटिव ही हैं। ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि आपको एक जिनको म्यूकरमाइकोसिस है उनकी ट्रीटमेंट जो है वो लंबे टाइम के लिए चलती है। तो शुरू में आप उनको, वो कोविड पॉजिटिव रहते हैं, 80% जो हमारे पेशेंट दाखिल हैं वो अभी भी कोविड पॉजिटिव हैं, तो वो कोविड एरिया में है। लेकिन जैसे उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, कई दफ़ा सर्जरी भी करनी पड़ती है, डिब्राइडमेंट, फिर वो कोविड नेगेटिव हो जाते हैं, फिर उनको कोविड पॉजिटिव एरिया से फिर नेगेटिव एरिया में शिफ्ट करना पड़ता है। सो हॉस्पिटल्स के लिए चैलेंजिंग ये है टू हैव टू म्यूकर वार्ड्स, वन फॉर पॉजिटिव पेशेंट्स एंड वन फॉर नेगेटिव पेशेंट्स, क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट जो है वो तो कई हफ्ते चलती है, जो एंटी फंगल ट्रीटमेंट है, और सर्जरी भी जो है उसकी टाइमिंग जो है वो ज़रूरी है। क्योंकि ये भी सही है कि कोविड, अगर आप पॉजिटिव हो और बहुत एग्रेसिव सर्जरी करो तो उससे मोर्टैलिटी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अगर फेफड़े में कमज़ोरी है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और आप ऑक्सीजन पे हो और उसके ऊपर आपके नेजल पैसेजेस या सांस के ऊपर वाले एरिया में सर्जरी की जाए, तो इट कैन हैव अ हायर, इट कैन हैव वर्स आउटकम। तो इसलिए ये भी समझना ज़रूरी है।